Assalamualaikum class 4, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to Dar-e Arkam FB Area Campus online classes for the session 2021-22. So class 4, this is your social studies class and today we are going to review our detailed question answers and glossary words of chapter sports and sports events. ठीक है, as we already read this chapter, हम इस chapter को explain भी कर चुके हैं. आज हम एक review लेंगे glossary words का and then detailed question answers का. Our first word is exertion. पहला वर्ड हमारा है एक्जर्शन. द मीनिंग ऑफ एक्जर्शन इज़ फिजिकल और मेंटल एफर्ट. उर्दू मीनिंग्स हैं इसके, जैसे आप कहते हैं कोई चीज़ आप बहुत मेहनत करें, जान मार दें, अंथक मेहनत. ठीक है, नेक्स्ट इज स्किल. द एबिलिटी टू डू समथिंग, कोई भी हुनर जो आपके पास होता है कुछ अच्छा कुछ भी काम करने का, उसको हम एबिलिटी कहते हैं. जैसे किसी के पास बहुत अच्छा जो है वो प्लेयर का प्लेइंग का, कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसके पास क्रिकेट खेलने का हुनर होता है. कोई बहुत अच्छी रीडिंग करता है, कोई बहुत अच्छी जो है वो कुकिंग कर लेता है, तो ये सारी क्या होती हैं, स्किल्स होती हैं. नंबर थ्री है रीजनल. रिलेटिंग टू अ रीजन, किसी भी खास जगह से रिलेटेड होना, रिलेट होना. ठीक है, जील, ग्रेट एनर्जी इन परसू ऑफ कॉज, जेस्ट अ फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट. इन दोनों का मतलब ही हम जोश और जज्बे से लेते हैं. ठीक है ना, ओके, दिस इज़ द रिवीजन ऑफ ग्लॉसरी वर्ड्स. नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज स्पोर्ट्स एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप सब लिख भी चुके हैं, अगेन मैं रिवाइज कर दूं कि स्पोर्ट्स इज़ एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्जर्शन एंड स्किल्स. स्पोर्ट्स मीन्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ड्यूरिंग स्पोर्ट्स वी लर्न मैनी थिंग्स. वी लर्न हाउ टू टैकल द डिफिकल्ट सिचुएशन. वी लर्न टीम्स ऑफ, वी मेट टीम्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्रीज एंड प्ले टुगेदर. अ सेंस ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड पॉजिटिव कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो डिवेलप ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स. क्वेश्चन नंबर टू, वेन एंड वाई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्रिएटेड. इसका आंसर भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख चुके हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वॉज क्रिएटेड इन 1962 बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और इसका पर्पज क्या था, द पर्पज ऑफ दिस बोर्ड इज़ टू प्रोमोट एंड डिवेलप यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटिशन इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड प्रिवेलिंग इंटरनेशनली. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मेक द वर्ल्ड वन लार्ज सोसाइटी. स्पोर्ट्स ने वर्ल्ड को एक लार्ज सोसाइटी में कैसे जो है वो किस तरह क्या कैसे बना दिया, क्या ऐसा काम होता है स्पोर्ट्स में. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर, स्पोर्ट्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल. सोशल इंटरेक्शन ऑफ अमंग स्पोर्ट्स मैन इन इंटरनेशनल इवेंट स्ट्रेंथन्स न्यू बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप अमंग डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड मेक द वर्ल्ड वन लार्ज सोसाइटी. जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हैं, तो हमारी उनके साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है, हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है. जब स्कूल में भी क्लास में भी आपके न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो जाहिर है जब आप मिलते हैं तो आपकी एक फ्रेंडशिप हो जाती है ना सबसे. इसी तरह जब स्पोर्ट्समैन आपस में खेलते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनमें भी एक बॉन्डिंग हो जाती है. लोगों के नए नए कल्चर्स देखने को मौका मिलता है, उसको हम उसमें से अच्छी चीज़ें अडॉप्ट भी कर लेते हैं. तो इस तरह जो है वो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड आउट द लेटेस्ट चैंपियंस ऑफ आईसीसी फीफा अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट टूर डी फ्रांस रेस विमेंडल टेनिस. इसका आंसर यकीनन आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, और अगर नहीं भी आपको मिला तो मैं अब आपको इसका आंसर बता देती हूँ. सो आईसीसी का जो रिसेंट लेटेस्ट चैम्पियन वर्ल्ड कप चैम्पियन कंट्री है वो है इंग्लैंड, फीफा का फ्रांस, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट साउथ कोरिया, टूर डी फ्रांस. एक्चुअली टूर डी फ्रांस है क्या, सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि व्हाट इज़ टूर डी फ्रांस. इट इज़ एन एनुअल मेंस मल्टीपल स्टेज बाइसिकल रेस हेल्ड इन फ्रांस ओकेजनली पासिंग थ्रू नियर बाई कंट्रीज. ये एक बाइसिकल रेस है जो कि फ्रांस में ही होती है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि नियर बाय जो उनके करीबी कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी ये पास आउट होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब टूर डी फ्रांस के जो विनर हैं वो कौन हैं, यहाँ नेम लिखा है तदई पोगाचार. ठीक है, अब यहाँ जो लिखा है उसको तो हम तदेज ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये जे का जो प्रोनाउंसिएशन है ये आपका आ जाएगा आई की साउंड में, और यहाँ पे पोगा के बाद कार का जो प्रोनाउंसिएशन है इसको हम कार नहीं पढ़ेंगे, फ्रेंच उसमें, या जो इनका नेम होता है फ्रेंच पीपल के उसमें हम पढ़ते हैं पोगाचार. तो इसका प्रोनाउंस होगा तदई पोगाचार. ठीक है,
नेक्स्ट है विम्बलडन। विम्बलडन टेनिस भी आप सबको पता है क्या होता है। टेनिस का चैम्पियन कौन है रीसेंट, अब इसका भी मैं पहले आपको जो स्पेलिंग लिखी है उससे मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और उसके बाद मैं इसका एक्चुअल प्रोनाउंस बताऊंगी, नोवाक डिजोकोविक, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। डी साइलेंट है जोको और विच, इसी तरह सी जो है वो च की साउंड में आएगा, नोवाक जोकोविच। तदय पोगाचार नोवाक जोकोविच। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दोबारा करवाया क्योंकि एक तो आपको टूर डी फ्रांस का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी, व्हाट इज़ टूर डी फ्रांस, और दूसरा इनके प्रोनाउंसिएशंस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। अल्लाह हाफिज़।